महाभारत का मैं वो पृष्ठ हूँ जिसे भूला ये समाज है। धर्म धर्म का बोध तुम्हें आज कराता धर्मराज है। सशरीर स्वर्ग मिला अडिग मेरा धर्म था। सशरीर स्वर्ग मिला अडिग मेरा धर्म था। रथ धरा पर न रहता था ऐसा उच्च कोटि का कर्म था। स्वार्थ से परे रहा न किसी लोभ में जिया। स्वार्थ से परे रहा न किसी लोभ में जिया। विष मेरे अनुज को दिया ये कड़वा घूंट भी पिया। अब धर्म की जो बात है तो धर्म ही बताता हूँ। अब धर्म की जो बात है तो धर्म ही बताता हूँ। धर्म के विचित्र रूप का दर्शन तुम्हें कराता हूँ। द्यूत का खेल खेला तात श्री का मान था। द्यूत का जो खेल खेला तात श्री का मान था। पिता के बाद तात थे पिता मेरे। पितृ धर्म का मुझको ज्ञान था। न छल की समझ थी रहा धर्म के साथ सदा। न छल की समझ थी रहा धर्म के साथ सदा। द्यूत भी न छोड़ पाऊं ऐसे वचन में मैं जा बंधा। मामा श्री ने कहा द्यूत का ये खेल खेलो सामने भाई तुम्हारे कौरव हैं। वचन था दांव लगेगा उस पे जो चीज तुम्हारा गौरव है। राजपाट भी गया आधिपत्य रहा ना एक भी गांव पे। राजपाट भी गया आधिपत्य रहा ना एक भी गांव पे। खेल नहीं वो प्रपंच था भाई भी लगे दांव पे। किसी एक धर्म की लाज रखता तो दूसरे पर संकट गहराया था। किसी एक धर्म की लाज रखता तो दूसरे पर संकट गहराया था। शास्त्रों में यही पक्ष धर्म संकट कहलाया था। मामा शकुनी ने शब्दों में ऐसा मुझे उलझाया था। द्यूत के भवर से मैं निकल ही न पाया था। धर्म संकट में डालकर जीते थे कौरव मुझे। धर्म संकट में डालकर जीते थे कौरव मुझे। अरे दांव पर लगाए भाई क्योंकि उन पर राज्य से अधिक था गौरव मुझे। लगाया पांचाली को दांव पर मेरी आत्मा को मुझसे क्रोध था। लगाया पांचाली को दांव पर मेरी आत्मा को मुझसे क्रोध था। पर कुलवधु का भी अपमान होगा ऐसा मुझे न बोध था। किंतु धर्म धर्म की तुला पकड़ने वाले होते हो कौन तुम। किंतु धर्म धर्म की तुला पकड़ने वाले होते हो कौन तुम। लेते द्रौपदी का पक्ष हो और बेटियों की हत्या पर रहते हो मौन तुम। धर्म की तो बात दूर विचित्र तुम्हारी न्याय प्रणाली है। न्याय की कैसी विचित्र तुमने परिभाषा बना डाली है। निर्वस्त्र था मैं जगत में आया। निर्वस्त्र था मैं जगत में आया। सभी निर्वस्त्र जगत में आते हैं। फिर एक देव पुत्र को अपने जन्म से ही अभेद्य कवच कुंडल दे जाते हैं। अब जरा मुझे तुम बतला दो न्याय का कौन सा ये अध्याय है। मुझे प्रतीत होता ये हर जातक से अन्याय है। कवच लेकर देवराज ने किया हर योद्धा को समान था। कवच लेकर देवराज ने किया हर योद्धा को समान था। सूर्य देव के पक्षपात का किया अतुल्य समाधान था। माता के तप से शरीर को वज्र बनाया ये कैसा क्षत्रिय धर्म है। माता के तप से शरीर को वज्र बनाया ये कैसा क्षत्रिय धर्म है। साहस था तो खुद के सामर्थ्य से लड़ता यही सच्चे योद्धा का कर्म है। दुर्योधन की जंघा तोड़ी माता के तप से वज्र शरीर जब उसने पाया था। धर्म विजय की खातिर माधव ने धर्म से ज्यादा कर्म को श्रेष्ठ बताया था। यही कर्म जो पहले समझ में जाता कोमल हृदय पर घाव न लगता। अरे धर्म से पहले कर्म को रखता तो पांचाली पर दांव न लगता। अरे नारी का ना सम्मान है करते बूढ़े पिता को सदा ही ये सताते हैं। ये विचित्र कलयुगी लोग है माधव। धर्मराज को धर्म सिखाते हैं।